हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका यूट्यूब के नंबर वन फार्मेसी चैनल पे। सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री होता है, इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना होता है। बस आपको ये रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा चैनल पर, उस पर क्लिक करना होगा तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। और फिर आपको ये बेल आइकन होगा, उस पर क्लिक करना होगा ताकि जो भी हम वीडियोज़ डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाएँ। दोस्तों, हर वीडियो आप तक पहुँचाने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो प्लीज़ आप भी हमारा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे फार्मास्यूटिक्स चैप्टर 14.1 इमल्शंस, जिसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले देखिए, देख लेंगे डेफिनेशन ऑफ इमल्शन, देन देख लेंगे टाइप्स ऑफ इमल्शन एंड देख लेंगे एप्लीकेशन ऑफ इमल्शंस। इस वीडियो के पार्ट टू एंड पार्ट थ्री भी हम अपने चैनल पर बहुत ही जल्दी अपलोड करेंगे, तो उसे भी प्लीज़ आप ज़रूर देखें। ना देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ इमल्शन। तो इमल्शन क्या होता है, देखिए, एन इमल्शन इज अ टू फेज सिस्टम कंटेनिंग टू इनकम्प्लीटली मिसेबल लिक्विड्स, वन ऑफ विच इज डिस्पोज्ड एज फाइनाइट ग्लोब्यूल इन द अदर। तो इमल्शन क्या होता है, देखिए, टू फेज सिस्टम होता है जिसमें कि दो टू इनकम्प्लीटली मिसेबल लिक्विड्स होते हैं, ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो आपस में घुलते नहीं है, इन दैट इज़ वाई उसको लिखा है इनकम्प्लीटली मिसेबल लिक्विड, वन ऑफ विच इज डिस्पोज्ड एज अ फाइनाइट ग्लोब्यूल इन द अदर। और एक जो फेज होता है, जो डिस्पोज फेस होता है, वो डिस्पर्स्ड होता है इन अ फॉर्म ऑफ फाइनाइट ग्लोब्यूल इन 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 द अदर मीन्स डिस्पर्जन मीडियम में। तो डिस्पर्स्ड फेस जो है वो इन अ फॉर्म ऑफ फाइनाइट ग्लोब्यूल्स डिस्पर्स्ड होता है डिस्पर्जन मीडियम में। और अच्छे से इसको हम आगे देखेंगे। देन देखिए, द पार्टिकल साइज ऑफ द ग्लोब्यूल रेंज फ्रॉम 0.25 to 25 माइक्रोमीटर। तो जो पार्टिकल साइज होता है इन ग्लोब्यूल्स का वो कितना होता है, देखिए, 0.25 to 25 माइक्रोमीटर होता है। एन इमल्सिफाइंग एजेंट एंड मैकेनिकल एनर्जी आर नीडेड टू ज्वाइन द फेसेस। तो क्या होता है, देखिए, ये क्योंकि ये फेसेस जो हैं ये कंप्लीटली मिसेबल नहीं होते, तो मैकेनिकल एनर्जी और इमल्सिफाइंग एजेंट जो है उनकी ज़रूरत होती है ताकि ये फेस जो है आपस में एक साथ सस्टेन कर पाएँ। तो नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ना देखिए, देख लेते हैं टाइप्स ऑफ इमल्शन, कितने टाइप के इमल्शंस होते हैं। तो देयर आर फोर मेन टाइप्स ऑफ इमल्शन। क्या होते हैं, देखिए, अभी हम एक वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले देखिए, ऑयल इन वाटर इमल्शंस होते हैं, वाटर इन ऑयल इमल्शंस होते हैं। ये जो दोनों ही इमल्शन है ये मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ किए जाते हैं, मोस्टली यूज़ किए जाते हैं। देन थर्ड पे होते हैं, देखिए, मल्टीपल इमल्शंस होते हैं, इस तरह के इमल्शन होते हैं। देखिए, अभी आगे हम देखेंगे इसके बारे में, एक्सप्लेन करेंगे, ऑयल इन वाटर इन ऑयल या वाटर इन ऑयल इन वाटर टाइप के इमल्शन होते हैं। एंड फाइनली क्या होते हैं, फोर्थ पे क्या होते हैं, माइक्रो इमल्शंस होते हैं। तो देखिए, वन बाय वन देख लेते हैं हम इन सारे ही इमल्शंस के बारे में। देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं ऑयल इन वाटर इमल्शन। तो ऑयल इन वाटर, जैसे जैसे हमें नाम से पता चल रहा है कि ऑयल जो है इसमें एक तरह का डिस्पर्स्ड फेस की तरह काम कर रहा है, एंड वाटर जो है इसमें एक तरह का डिस्पर्जन मीडियम, ये जिसको हम कॉन्टिन्यूस फेस भी कहते हैं, उसकी तरह काम कर रहा है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, वाटर इज़ द डिस्पर्जन मीडियम एंड ऑयल इज़ अ डिस्पर्स्ड फेस। जैसे हमने देखा ऑयल इन वाटर इमल्शन है ये क्या होता है, देखिए, नॉन ग्रीसी एंड ईजिली रिमूवेबल फ्रॉम द स्किन। क्यों होते हैं, देखिए, ऐसी एक ईजिली रिमूवेबल क्यों होते हैं स्किन से, बिकॉज वाटर इनका बेस होता है, और क्योंकि वाटर इनका बेस है दैट इज़ वाई ये स्किन से ईजिली रिमूवेबल होते हैं। यूज एक्सटर्नली टू प्रोवाइड कूलिंग इफेक्ट, जैसे फॉर एग्जाम्पल वैनिशिंग क्रीम जो है उनको बनाया जाता है ऑयल इन वाटर इमर्शन टाइप का। प्रेफर्ड फॉर इंटरनल यूज एज द बिटर टेस्ट ऑफ ऑयल कैन बी मास्क्ड। तो देखिए, मोस्टली क्या होता है कि अगर जो मेडिकेशंस दी होती हैं वो ऑयली फॉर्म में होती हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम मेडिकेशन जो है वो बिटर टेस्ट की होती हैं, तो इस तरह की अगर इस तरह की कोई फॉर्मुलेशन दी जा रही है जिसमें बिटर टेस्ट की मेडिकेशन दी जा रही है, तो उसको ऑयल फॉर्म में दिया जा सकता है। और क्योंकि ऑयल फॉर्म जो है वो कम, वो देखिए लेस अमाउंट में प्रेजेंट है, और वाटर फेस जो है वो ज़्यादा है, कॉन्टिन्यूस फेस ज़्यादा है, वाटर की प्रेजेंस ज़्यादा है, तो इस तरह की मेडिकेशंस का टेस्ट भी मास्क किया जा सकता है। तो देखिए, ये था ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन के बारे में। देखिए, सेकंड टाइप के इमल्शन होते हैं वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन। क्या होते हैं, देखिए, ऑयल इज़ अ डिस्पर्जन मीडियम एंड वाटर इज़ अ डिस्पर्स्ड फेस। तो इसमें उल्टा हो जाता है, इसमें वाटर डिस्पर्स्ड फेस हो जाता है और ऑयल जो है वो डिस्पर्जन मीडियम हो जाता है, कॉन्टिन्यूस फेस हो जाता है। ग्रीसी एंड नॉन वाटर वॉशेबल, तो उससे उसका बिल्कुल अपोजिट होगा जो हमने ऑयल इन वाटर में देखा था। तो ये ग्रीसी होते हैं एंड वाटर वॉशेबल नहीं होते हैं। यूज एक्सटर्नली टू प्रिवेंट इवेपोरेशन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द स्किन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ स्किन। जैसे हम एग्जाम्पल
एग्जांपल देख सकते हैं कोल्ड क्रीम का, तो इसको एक्सटर्नली यूज़ किया जाता है जिससे कि मॉइस्चर जो है वो इवेपोरेट ना हो पाए स्किन के सरफेस से, जैसे हम कोल्ड क्रीम्स में देखते हैं, प्रेफर्ड फॉर एक्सटर्नल यूज़ लाइक क्रीम्स। तो इसको बेसिकली इस टाइप के इमल्शंस को एक्सटर्नल यूज़ में प्रेफर किया जाता है। सो नेक्स्ट देखिए थर्ड देख लेते हैं अपना मल्टीपल इमल्शंस के बारे में, क्या होते हैं मल्टीपल इमल्शंस। मल्टीपल इमल्शंस आर द इमल्शन सिस्टम इन विच द डिस्पर्स्ड फेस कंटेन स्मॉल ड्रॉपलेट दैट हैव द सेम कॉम्पोजिशन एज दैट ऑफ एक्सटर्नल फेस। तो इसमें बताया गया है कि मल्टीपल इमल्शन इस तरह के इमल्शन होते हैं, इस तरह के इमल्शन सिस्टम होते हैं जिसमें क्या होता है, देखिए जो डिस्पर्स्ड फेस में एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया जाता है, देखिए मान लीजिए ये हमारा एक तरह का मल्टीपल इमल्शन है, तो इसमें बताया गया है कि जो डिस्पर्स्ड फेस जो है वो इस तरह के ग्लोब्यूल्स कंटेन करते हैं जो कि जिनकी कॉम्पोजिशन सेम होती है एज दैट ऑफ एक्सटर्नल फेस। तो आई होप समझ आ गया होगा आपको, मींस जो अगर मल्टीपल इमल्शन है तो देखिए इस तरह का होता है, दो तरह के होते हैं वो, एक तो होता है वाटर इन ऑयल इन वाटर और दूसरा होता है ऑयल इन वाटर इन ऑयल। तो इसमें क्या होता है कि ये जो डिस्पर्स्ड फेस होता है, ये डिस्पर्स्ड फेस है, देखिए ये वाला डिस्पर्स्ड फेस नहीं है, ये एक तरह का देखिए स्मॉल ड्रॉपलेट है और ये ड्रॉपलेट जो है ये वाटर का ही है। सो दैट इज़ वाई इसमें बताया गया है कि सेम कंपोजिशन होता है डिस्पर्स्ड फेस के ग्लोब्यूल का जो कि एक्सटर्नल फेस का कंपोजिशन होता है। तो इस तरह के होते हैं देखिए मल्टीपल इमल्शंस। देन देखिए द मल्टीपल इमल्शंस आर ऑल्सो कंसिडर टू बी टू टाइप्स के होते हैं। देखिए सबसे पहले होते हैं ऑयल इन वाटर इन ऑयल टाइप्स एंड देन सेकेंड होते हैं वाटर इन ऑयल इन वाटर टाइप। तो देखिए अब इन दोनों के बारे में ही अपने नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। देखिए मल्टीपल इमल्शन में सबसे पहला देख लेते हैं हम ऑयल इन वाटर इन ऑयल टाइप। तो हमेशा देखिए इनवर्ड टू आउट अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे, इनवर्ड टू आउटवर्ड जाएंगे। तो देखिए ये ऑयल इन वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन है। और देख लेते हैं इसके बारे में, देखिए किस तरह क्या होता है। देखिए इनमें इन ऑयल इन वाटर इन ऑयल सिस्टम एंड एक्वस फेस जिसको हम हाइड्रोफिलिक फेस भी कहते हैं सेपरेट इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑयल फेस। तो इसमें बताया गया है कि इस तरह के इमल्शन में एक एक्वस फेस जो होता है वो सेपरेट करता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑयली फेस को, एक एक्वस फेस सेपरेट करता है। इन अदर वर्ड ऑयल इन वाटर इन ऑयल इज़ अ सिस्टम इन विच द वाटर ड्रॉपलेट मे बी सराउंडेड इन ऑयली फेस विच इज़ ट्रू एंड विच इन टर्न एनक्लोज वन और मोर ऑयल ड्रॉपलेट। तो देखिए इसमें बताया गया है कि इस तरह के इमल्शन में क्या होता है, बार बार वही बताया जा रहा है इसमें। देखिए ये ऑयल इन वाटर इस तरह का सिस्टम होता है जिसमें वाटर ड्रॉपलेट में सराउंडेड इन ऑयली फेस, जिसमें ये वाटर ड्रॉपलेट है देखिए ये जो सराउंडेड है ऑयली फेस में सराउंडेड है विच इन टर्न एनक्लोज वन और मोर ऑयल ड्रॉपलेट और जो कि इन टर्न एनक्लोज कर रही है अपने अंदर वन और मोर ऑयल ड्रॉपलेट। तो देखिए इस तरह के इमल्शन होते हैं ऑयल इन वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शंस। देखिए उसका सेकंड पार्ट आता है मल्टीपल इमल्शन का, वाटर इन ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन। देखिए इस तरह के इमल्शन होते हैं वाटर जो है वो एक्सटर्नल फेस में प्रेजेंट होता है, देन फिर ऑयल फेस प्रेजेंट होता है डिस्पर्स्ड फेस की तरह, एंड इस डिस्पर्स्ड ऑयल फेस में प्रेजेंट होते हैं वाटर सोल्यूबल कोर मटेरियल प्रेजेंट होता है, दैट इज़ वाई इसको वाटर इन ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन कहा गया। देखिए इंटरनल टू एक्सटर्नल हम जाएंगे तो वाटर इन ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन है। फिर क्या होता है देखिए इसमें इन वाटर सिस्टम द ऑयल फेस जिसको हम हाइड्रोफोबिक फेस भी कहते हैं ऑयल फेस सेपरेट करता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्वस फेस को। तो देखिए ये ऑयल फेस है जो कि सेपरेट कर रहा है इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्वस फेस को। देन क्या है देखिए इन अदर वर्ड वाटर इन ऑयल इन वाटर इज अ सिस्टम इन विच ऑयल ड्रॉपलेट मे बी सराउंडेड बाय एन एक्वस फेस। इसमें भी वही बताया गया देखिए ये ऑयल ड्रॉपलेट है जो कि सराउंडेड है बाय द एक्वस फेस विच इन टर्न एनक्लोज वन और सेवरल वाटर ड्रॉपलेट जो कि इन टर्न एनक्लोज कर रही है वन या सेवरल वाटर ड्रॉपलेट को। तो इसमें भी वही बताया गया देखिए इस तरह के फेस होते हैं ये। अब देखिए क्या होता है दिस सिस्टम आर मोस्ट सूटेड अमंग द मल्टीपल इमल्शंस। तो देखिए अभी हमने दो तरह के मल्टीपल इमल्शंस देखे, बट इस तरह के जो मल्टीपल इमल्शंस होते हैं ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो है यूज किए जाते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, वाटर इन ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शंस। सो नेक्स्ट देखते हैं।
ना देखिए, फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में, वो है माइक्रो इमल्शंस। क्या होते हैं? देखिए, माइक्रो इमल्शन इस तरह के होते हैं, माइक्रो इमल्शन जिसमें लिक्विड एक्टिव इंग्रेडिएंट और सॉलिड एक्टिव इंग्रेडिएंट डिसॉल्व इन ऑयल। देखिए, मोस्टली क्या होता है, जो मेडिकेशंस होती हैं वो वाटर सोल्यूबल नहीं होती, मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या होती हैं, ऑयल सोल्यूबल होती हैं। तो माइक्रो इमल्शंस में क्या किया जाता है कि इस तरह की मेडिकेशन या तो वो लिक्विड फॉर्म में है या वो सॉलिड फॉर्म में है, उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है ऑयल में, प्लस जो एक्वासफेस रखा जाता है उसमें वाटर कंबाइंड विद इमल्सीफायर के साथ वाटर को कंबाइन किया जाता है, उनको रखा जाता है, और फिर इस तरह के दो तरह के इमल्शंस बना दिए जाते हैं, माइक्रो इमल्शन फॉर्मुलेशन, जिसमें देखिए ये वाटर इन ऑयल टाइप है और दूसरा है ऑयल इन वाटर टाइप। तो क्या होते हैं, देखिए ये एक तरह के क्लियर स्टेबल लिक्विड मिक्सचर होते हैं ऑफ ऑयल, वाटर एंड सर्फेक्टेंट के, फ्रिक्वेंटली इन कॉम्बिनेशन विद कोर सर्फेक्टेंट। तो देखिए, इस तरह के मिक्सचर होते हैं जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है ऑयल होता है, वाटर होता है, एंड इमल्सीफायर्स होते हैं। देखिए, इन कॉन्ट्रास्ट टू ऑर्डिनरी इमर्शंस, माइक्रो इमर्शंस फॉर्म अपॉन सिंपल मिक्सिंग ऑफ द कॉम्पोनेंट एंड डू नॉट रिक्वायर अ हाई शेयर कंडीशन जनरली यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी इमर्शन। तो देखिए, जो ऑर्डिनरी इमर्शन जो अभी हमने देखे थे, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, या हमने जो मल्टीपल इमर्शन देखे थे, उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हाई शेयर कंडीशन रिक्वायर करनी होती है, बिकॉज फेस सेपरेशन के चांस ज़्यादा होते हैं उन तरह के इमर्शंस में। बट माइक्रो इमर्शन का केस अलग होता है, ये अपॉन सिंपल मिक्सिंग ही इस तरह के इमर्शन जो है वो फॉर्म हो जाते हैं। देन देखिए लास्ट है, ये भी दो तरह के होते हैं, वो अभी हमने देखा था वाटर इन ऑयल एंड ऑयल इन वाटर टाइप्स। ना देखिए, एप्लीकेशंस ऑफ इमल्शन देख लेते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है इमल्शंस को। इमल्शन को यूज़ किया जाता है ओरल, रेक्टल एंड टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड ऑयल सोल्यूबल ड्रग्स। तो इन तरह की ड्रग्स जो होती हैं, जो ऑयल सोल्यूबल ड्रग होते हैं, उनके ओरल, रेक्टल एंड टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इमल्शन को प्रिपेयर किया जाता है। देन द अनप्लेजेंट टेस्ट एंड ओडर ऑफ द ड्रग कैन बी मास्क्ड बाय इमल्सिफिकेशन। तो अभी हमने देखा था, जो अनप्लेजेंट टेस्ट वाली ड्रग्स होती हैं उनको इमल्शंस के फॉर्म में दिया जा सकता है, उनको डिस्पर्स्ड फेस में के थ्रू प्रोवाइड करके। देन देखिए, फिर क्या होता है, द एब्जॉर्प्शन एंड पेनिट्रेशन ऑफ मेडिकेशंस आर एनहांस्ड बाय इमल्सिफिकेशन। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ पेनिट्रेशन जो है मेडिकेशंस का, उसको एनहांस किया जा सकता है इमल्सिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू, इमल्शन प्रिपेयर करके। देन द इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ऑफ वाटर सोल्यूबल ड्रग्स और वैक्सीन्स टू प्रोवाइड स्लो रिलीज। तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो है वो भी इमल्शन फॉर्म में होते हैं, तो उनको प्रिपेयर किया जाता है जिससे कि स्लो रिलीज ऑफ ड्रग जो है वो अचीव कर पाए। देन फिर क्या होता है, द यूज ऑफ स्टेराइल स्टेबल आईवी इमर्शन कंटेनिंग फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड विटामिंस एज अ पोटेंशियल न्यूट्रिशन। तो ये देखिए, आईवी इमर्शंस भी प्रिपेयर किए जाते हैं जिससे जो पेशेंट है उसकी बॉडी में फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड विटामिन जो है वो सप्लाई किया जाता है उसके न्यूट्रिशन को मेंटेन करने के लिए। तो देखिए, ये सारी एप्लीकेशंस होती हैं इमर्शंस की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे फार्मास्यूटिक्स चैप्टर 14.2, जिसमें हम देखेंगे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर इमर्शंस, देन फॉर्मुलेशन ऑफ इमर्शन देखेंगे एंड प्रिपरेशन ऑफ इमर्शंस देखेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया होगा उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।